बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इयाका नअबुदु वइयाका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन का एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है यूजिंग टेबल 3.1। अब टेबल 3.1 हमारे पास इससे पीछे वाले पेज पे गिवन है, पेज नंबर 36 पर। ये हमें एक टेबल शो कर रहा है जिसमें हमारे पास ये चार्जेबल इनकम है, इनकम टैक्स रेट है और ग्रॉस टैक्स पेबल है। तो हम लोग इनकी यहाँ से ये वाली रीडिंग्स लेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है क्या, कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेबल गिवन द फॉलोइंग चार्जेबल इनकम्स। अब हमें चार्जेबल इनकम्स दी गई हैं और हम लोगों ने इनकम टैक्स पेबल फाइंड करना है। सो ये चार्जेबल इनकम्स हैं और इनकम टैक्स पीछे पेज पे जो हमें गिवन है ना, वहाँ से हम लोगों ने फाइंड करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। सो हम लोगों ने सबसे पहले लिखना क्या है, टोटल इनकम जो हमें गिवन है वो लिखनी है। सो टोटल इनकम इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन में जो इनकम गिवन है वो है $25,400 हमें गिवन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम ये डॉलर का साइन यहाँ भी लगा सकते हैं। सो जब हमें इतनी इनकम गिवन है तो हम लोग उसका फाइंड करेंगे पेबल, जो टैक्स है वो फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं पेबल, पेबल टैक्स ऑन फर्स्ट। अब हम लोगों ने उसी चार्ट को देखना है, उस चार्ट में हमारे पास 25,400 वैल्यू की कितनी पेबल हमें वैल्यू दी गई है। सो यहाँ इस टेबल को देख लें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास देखें 20,000 गिवन है, 25,000 20,000 के करीब आ रहा है। तो जो पहली चार्जेबल इनकम हमारे पास आ रही है वो 20,000 से हम लोग इसको देखेंगे। इसकी जो इनकम टैक्स रेट है वो हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ग्रॉस टैक्स पेबल भी हमारे पास ज़ीरो है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट 20,000 आएगा जो मैंने आप लोग को अभी टेबल में दिखा दिया है, और वो कितना था हमारे पास, $0 था। अब रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी रह चुकी है, हम लोग उसको फाइंड कर लेते हैं। सो रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू, हमारे पास एक था $25,400, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे $20,000 में से, तो हमारे पास कितने डॉलर्स रह गए, $5,400 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है। अब हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट मोर देन 20,000 फाइंड करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने इस 20,000 जो अमाउंट है ना, उस पर परसेंटेज रेट फाइंड करनी है टैक्स की, ठीक है। सो वो हमें कितनी गिवन थी, उस चार्ट को आप लोग देख लें, उस चार्ट में हमारे पास है 2% गिवन है। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इनकम टैक्स रेट आ रही है ना, वो हमारे पास ज़ीरो था, और यहाँ पर इनकम टैक्स रेट, ग्रॉस टैक्स रेट ज़ीरो था, और ये हमारे पास 2% है। ओके, अब जब परसेंटेज फाउंड हो चुकी है, 2% है, तो हम लोगों ने ये अमाउंट फाइंड करनी है 2% की, ये कितनी होगी। सो अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन $5,400 इज 2% ऑफ $5,400। अब ये कितना होगा, ये होगा 2 / 100 मल्टीप्लाई बाय कितने डॉलर्स थे, $5,400। इसके दो जीरो से कट गए, ये हमारे पास रह जाएगा 2 / 54, और ये हमारे पास कितने डॉलर्स के इक्वल होगा, ये हमारे पास $108 के इक्वल होगा। सो ये हमारे पास टोटल पेबल टैक्स इज $108। ओके डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ए कम्प्लीट हुआ, पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। सो पार्ट बी में हमें जो टोटल इनकम गिवन है वो है $38,400, ठीक है। अब हम लोगों ने पेबल टैक्स फाइंड करना है, सो हम लोग लिख लेते हैं पेबल, जो पहले वाले पार्ट में लिखवाया सारी जो है ना, ये आप लोग स्टेटमेंट्स वही लिख दें, ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने नंबर्स चेंज करने हैं।
अच्छा ऑन फर्स्ट, अब देखते हैं 38,000 उसी टेबल में इसकी कितनी इनकम दी गई है। सो यहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं, ये 20 था, ये 30 और ये 40। सो 38,000 से 40 ज़्यादा है, तो हम लोग 30,000 चार्जेबल इनकम देखेंगे। और 30,000 में हमें 3.5% 3.50% मीन्स 3.5% इनकम टैक्स रेट गिवन है, ठीक है। और 200 हमें गिवन है 30,000 पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमारे पास कितना आया है, $30,000 आया है, ठीक है। और उस पे जो मैंने आपको वो ग्रॉस दिखाई है ना, ग्रॉस टैक्स, वो हमारे पास कितना था, $200। पिछले वाले क्वेश्चन में जीरो था, ठीक है, इसमें 200 गिवन है। अब हम लोगों ने रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी कितनी होगी, हमारे पास एक था 38,400, उसको माइनस करेंगे 30,000 में से, ठीक है। तो 30,000 जब सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये हमारे पास कितने डॉलर्स आ गए, ये हमारे पास $8,400 आ गए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज हम लोगों ने फाइंड करनी है टैक्स की, परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट मोर देन 30,000। 30,000 से जो ज़्यादा अमाउंट है उस पर हमारी कितनी परसेंट टैक्स बना है, मैंने आपको अभी भी दिखाया है 3.50 था, तो 3.5% हम लोग लिख देते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो परसेंटेज गिवन है ना, ये अमाउंट कितनी होगी, तो हम लोगों ने अब इसको फाइंड करना है इसकी अमाउंट को। सो अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास कितनी होगी, अमाउंट ऑफ टैक्स 3.5% ऑफ, और ये हमारे पास कितने रिमेनिंग थे, $8,400। तो ये हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 8,400, ठीक है। इसके दो जीरोस, इसके दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 84 आ जाएगा, विच इज़ $294, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है। अब जब ये आ गया तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे टोटल पेबल टैक्स। अब टैक्स टोटल कितना पे करना है, तो हम लोगों ने जो 200 हम लोगों को गिवन था उसमें से ये 294 हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे दोनों को तो हमें पता चलेगा कि हमारा टैक्स कितना है, 494 हम लोगों ने टैक्स जमा करवाना है। पार्ट सी की तरफ चलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट सी में हमारे पास टोटल इनकम कितनी गिवन है, 72,000 हमें गिवन है। अब हम लोगों ने पेबल टैक्स फाइंड करना है। सो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इन चारों पार्ट्स में आप लोग स्टेटमेंट्स वही लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप लोग उनके जो ये अमाउंट्स हैं वो आप लोग चेंज कर दें। ऑन फर्स्ट, अब ये 72,000 है, अब मैं आप लोग को चार्ट में दिखाती हूँ। तो अब 72,000 यहाँ पर चार्ट चेक करें, 20, 30, 40 या 40 के बाद डायरेक्टली 80,000 आ रहा है, फर्स्ट 80, तो वो 72 तो 80 से कम आ रहा है, तो हम 40,000 पे लेंगे। अब 40,000 पे हमारे पास इनकम टैक्स रेट जो है वो 7% है, और ये हमारे पास 550, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट 40,000 जो मैं आप लोग को अभी चार्ट में दिखा चुकी हूँ, और रेट कितनी थी, 550 थी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने $72,000 में से $40,000 सब्ट्रैक्ट कर लेने हैं, तो ये हमारे पास $32,000 आ जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अब परसेंटेज रेट ऑफ टैक्स फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट मोर देन 40,000। अब ये हमारे पास कितना है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया था टेबल में, उस टेबल में हमारे पास ये 7% था, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब अमाउंट कितनी होगी जब परसेंटेज इतनी गिवन है, तो हम लोग अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास 7% ऑफ कितने डॉलर्स है, $32,000 है, तो ये कितना होगा, 7/100 मल्टीप्लाई बाय $32,000 हो जाएगा। इसके दो जीरो, इसके दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 320 आ जाएगा,
और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने डॉलर्स आ जाएगा, 2,240 डॉलर्स आ जाएगा। अब टोटल हम लोगों ने पेबल टैक्स कितना हम लोगों ने फाइंड किया, टोटल पेबल टैक्स वो कितना है हमारे पास, एक हमारे पास 550 डॉलर था जो हमें गिवन था, ठीक है, और जो हम लोगों ने फाइंड किया है वो उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये दोनों टैक्सेस हमारे पास आ गए 2,790 डॉलर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके पार्ट डी की तरफ चलते हैं। अब पार्ट डी में टोटल इनकम हमें गिवन है 105,000 डॉलर्स। अब पेबल टैक्स हम लोग फाइंड करते हैं, पेबल टैक्स ऑन फर्स्ट। अब ये मैं आप लोग को उस टेबल में चेक करवा देती हूँ कि जब 105,000 है तो उसमें कितनी अमाउंट गिवन है। सो यहाँ देखिए 105,000 है और यहाँ पर हमारे पास 105,000 नहीं है बल्कि ये हमारे पास 120,000 आ गया। ये ज़्यादा है तो हम लोगों ने 80,000 में लेना है और उसमें परसेंटेज इनकम टैक्स है वो 11.5 गिवन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं बहुत इजीली, इसलिए मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। और ग्रॉस टैक्स पेबल हमारे पास 3,350 गिवन है। ठीक है, अब ये क्या है, फर्स्ट 80,000 जो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ और 80,000 डॉलर्स। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना गिवन था, ये 3,350 डॉलर्स गिवन था। मैं आप लोग को ये दोनों चीज़ें अभी टेबल में दिखा चुकी हूँ। अब रिमेनिंग हम लोग देखेंगे हमारे पास, रिमेनिंग अमाउंट हमारी कितनी है। सो ये हमारे पास एक था 105,000 डॉलर्स और यहाँ पर कॉमा आ जाएगा और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 80,000 में से, तो कर लेना ये हमारे पास 25,000 आ जाएगा। अच्छा, अब 25,000 डॉलर्स हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ टैक्स फाइंड करना है। ठीक है, अमाउंट मोर देन 80,000 ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो वो गिवन कितना था, 11.5% ये मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ उसमें। अब 11.5% की अमाउंट कितनी होगी, ये तो परसेंटेज है। सो अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11.5% ऑफ कितने डॉलर्स है, 25,000 डॉलर्स है ये वाली जो रेट हमारे पास आई है। सो 11.5 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय कितने डॉलर्स है, ये 25,000 डॉलर्स। इसके दो जीरो, इसके दो जीरो से कट जाएगा, हमारे पास 11.5 मल्टीप्लाई बाय 250 आ जाएगा। तो ये कितने डॉलर्स के बराबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2,875 डॉलर्स के बराबर है। अब टोटल हम लोग काउंट कर लेते हैं, टोटल पेबल टैक्स हमारे पास कितना होगा, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। एक हमारे पास 3,350 गिवन था, उसमें हम लोगों ने जो फाइंड किया है 2,875 डॉलर्स, तो दोनों को जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,225 डॉलर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का दी एंड होता है, उसका पार्ट ए बी सी डी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।